वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ फोटोग्राफी एंड ट्यूटोरियल्स। एंड नाउ आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कुछ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप शायद बहुत कम जन को पता होता है और बहुत कम जन करते हैं, बट आई विश कि सब लोगों कर पाए, क्योंकि इट्स वेरी इजी टेक्निक और मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। कोई भी आप अपने स्मार्टफोन पर कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपके पास एक क्या बोलते हैं डिजिटल कैमरा चाहिए या फिर DSLR या फिर एक मिररलेस कैमरा, ऐसा किसी की जरूरत नहीं। आप अपने फ़ोन के साथ भी कर सकते हैं। आज हम लाइट पेंटिंग के बारे में देखेंगे या फिर लाइट ट्रेल फोटोग्राफी या फिर लाइट पेंटिंग या लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, इट्स ऑल द सेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वॉट इज लाइट पेंटिंग? सो लाइट पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत 1880s से करते आ रहे हैं लोग। इसको साइंटिफिक वे में भी किया जाता है, इसको आर्टिस्टिक वे में भी किया जाता है। बट लाइट पेंटिंग में क्या होता है, एक्चुअली आप अपने कैमरा के एक्सपोजर को बहुत लंबा रखते हैं, दैट मीन्स अ शटर स्पीड ऑफ हायर टाइमिंग। सो उससे क्या होता है कि जितना भी लाइट है एरिया में उसको सेंसर कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद वो एक वेव जैसा बन जाता है, या फिर एक क्या बोलते हैं एक लाइट का वेव बनता है, जो बहुत ही कूल लगता है और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में बहुत अट्रैक्टिव होता है। सो नॉर्मली जब आप लाइट पेंटिंग की बात करते हैं, तब आप लॉन्ग एक्सपोजर यूज़ करते हैं। आपके पास लाइट के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं। तो मेनली उसमें क्या होता है कि आप फायर क्रैकर यूज़ करते हो, आप LED टॉर्चेस, लैम्प, LED स्टिक्स बहुत कुछ यूज़ करते हैं लोग नॉर्मली। बट मैं आपको एकदम सिंपल से सिंपल टेक्निक बताता हूँ। आप मोबाइल स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो लाइट पेंटिंग के लिए। अब मैंने क्या किया है, मैंने मोबाइल स्क्रीन यूज़ किया है इसको सिंपल बनाने के लिए, ताकि कॉमन पीपल घर पे बैठे बैठे भी ये चीज़ कर सके। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और दूसरा मोबाइल फ़ोन जो उसको क्लिक करे। अगर उसमें प्रो मोड नहीं है तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दूंगा नीचे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर वाइल डूइंग लाइट पेंटिंग इज दैट आप इसको नाइट में करो तो ही बेटर है, क्योंकि यू नीड अ डार्क एनवायरनमेंट। यस, डार्क। बट अब क्या है कि डार्क एनवायरनमेंट के लिए डे टाइम तो पॉसिबल नहीं है, बट इफ़ यू आर हैविंग अ रूम जहाँ पे लाइट सोर्सेज बिल्कुल जीरो हो, देन इट्स अ बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन क्लिक दिस पिक्चर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप रात को क्लिक करो तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ लाइट सोर्सेज नहीं होता है। इसमें नॉर्मली होता क्या है, आपका जो कैमरा है उसका जो सेंसर है, इट विल रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लिटिल लाइट फ्लिकरिंग ऑल अराउंड द एरिया। द बेस्ट डार्क मोमेंट इज द बेस्ट एंड द बेटर यूअर लाइट विल बी सीन इन द पिक्चर। लेटर ऑन आप उसको एडिट करके और एनहेंस करके या फिर डार्केन करके इसको बेटर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पोर्शन, लेट्स सी हाउ आई हैव क्लिक्ड इट। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज शिफ्ट टू द प्रो मोड। सो व्हेन कमिंग टू द प्रो मोड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट शटर स्पीड, दैट्स द मेन थिंग, उसको जितना हो सके ज्यादा उतना रखने का। बट इन माई केस आई विल कीप अराउंड 15, इट्स मैक्सिमम इज 30 इन माई फोन। देर मे बी डिफरेंस इन डिफरेंट फोन, बट यू कैन डू अकॉर्डिंगली एज पर योर फोन प्रोवाइड्स द फीचर। सो आई विल बी टेकिंग 15, देर इट इज 15 नाउ, एंड आई विल कीप द ISO एज लो एज पॉसिबल सो दैट नो नॉइज विल बी क्रिएटेड इन द फोटो लेटर आफ्टर क्लिकिंग इट। सो आई हैव केप्ट the shutter speed at 15, ISO at 100, and now I will keep the focus. हमें इसे ऑटो मोड से बाहर निकलना होगा और इसको हमें रखना पड़ेगा इनफाइनाइट फोकस में, जो एट द एक्सट्रीम एंड में आता है। हाँ, तो इससे क्या होता है, इन केस अगर हम इसको ऑटो में रखते हैं तो हमारा जो कैमरा है वो इंटरमीडिएट चीज़ों को फोकस करने लग जाएगा, जिसके कारण एक ब्लरी इमेज मिलने का पूरा चांसेस है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी विल कीप द फोकस एट इनफाइनाइट, सो दैट आप ऑटोमेटिकली आपका जो लाइट सोर्स है वो परफेक्टली क्लिक होगा। सभी ये लाइट सोर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन है, उसमें मैंने एक ऐसा वॉलपेपर डाउनलोड किया है जो स्ट्राइप्स में और डिफरेंट कलर में। तो अभी मैं इसको कैप्चर बटन क्लिक करूँगा, तो उसके बाद देखना इसका जो लाइट ट्रेल आपको दिखेगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक ट्राइपॉड पे सेट करना चाहिए और ज़रा भी शेकीनेस नहीं आना चाहिए, एकदम स्टेडी होना चाहिए पिक्चर, और ये कैप्चरिंग के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखेगा।
होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हिट द बिग फैट लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.